राम राम दोस्तों, मैं रेबल एन के आपका स्वागत करता हूं ओरेकल टॉक्स के एपिसोड 34 में। हमारा आज का वीडियो महाभारत के एक ऐसे कैरेक्टर पर है जिसके बारे में शायद ही आप लोग जानते हों। यह एक ऐसा कौरव था जो महाभारत युद्ध के बाद जिंदा बचा था और इस कौरव ने महाभारत का युद्ध पांडवों की तरफ से लड़ा था। इस कौरव के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं जो शायद बहुत सारे दोस्तों को ना पता हो। हम सब यह जानते हैं कि कौरव 100 भाई और एक बहन थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कौरव 101 नहीं 102 थे। इस कौरव का नाम था युयुत्सु। युयुत्सु के पिता धृतराष्ट्र थे, लेकिन माता गांधारी नहीं थी। अब जानते हैं युयुत्सु के जन्म की कहानी। यह बात उस समय की है जब गांधारी प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट होने के कारण गांधारी अपने पति धृतराष्ट्र की सेवा नहीं कर पाती थी, इसीलिए महाराजा धृतराष्ट्र की सेवा के लिए एक वैश्य कन्या को रखा गया था। गांधारी की प्रेगनेंसी लगभग 2 साल तक चली थी। इसी बीच धृतराष्ट्र ने उस वैश्य कन्या के साथ युयुत्सु को जन्म दिया। युयुत्सु का जन्म दुर्योधन के जन्म के समय ही हुआ था। वो दुर्योधन से छोटे लेकिन दुशासन से बड़े थे। युयुत्सु को वैश्य पुत्र भी कहा जाता है और इनकी माता का नाम था सुगुणा। युयुत्सु बेशक ही वैश्य पुत्र थे, परंतु इन्होंने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। युयुत्सु ने कभी भी दुर्योधन के षड्यंत्रों में उसका सहयोग नहीं किया। युयुत्सु महाभारत के 11 ऐसे महारथियों में से एक थे जो एक साथ 7,20,000 योद्धाओं से लड़ सकते थे। महाभारत के युद्ध के बाद सिर्फ युयुत्सु ही इकलौते कौरव थे जो जिंदा बचे थे। जब पांडवों ने कलयुग की शुरुआत में संसार छोड़ने का निर्णय किया तो उन्होंने परीक्षित को राजा बनाया और युयुत्सु को राज्य की देखरेख की जिम्मेदारी दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।